दोस्तों आज मेरे पास 2021 मॉडल आ रखा है एस्प्रेसो। इसमें समस्या है पिकअप और इंजन लाइट आ रहा है, ओबीडी के जो लाइट होता है वो आ रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं क्या समस्या है और क्या दिक्कत है। देख लीजिए, आपको दिखाते हैं क्या समस्या है। तो चाबी ऑन करते हैं, देख पा रहे हैं, और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के समय जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा है तो यही समस्या है। तो गाड़ी स्टार्ट करने में बंद होना चाहिए, नहीं हो रहा है, देख पा रहे हैं, फिर से दिखा देते हैं, नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करेंगे क्या समस्या है, क्या पोल कोड आ रहा है। तो S2 लगाते हैं, तो देख पा रहे हैं इंटक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई। तो इसका सेंसर हाई बता रहा था, चेक करेंगे। एयर फिल्टर लगा रहता है ना, उसमें एक सेंसर लगा रहता है, वही समस्या बता रहा है। सेंसर है जो देख पा रहे हैं, ये वाला सेंसर है। तो इसको चेक करेंगे और इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, क्या समस्या है, तो इसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे मल्टीमीटर से। ब्रेक निकल गया और चाबी ऑन करवाते हैं और चेक करते हैं क्या समस्या, करंट आ रहा है कि नहीं। तो चाबी ऑन करो, तो आप करके ऑन करो, तो ऑन भाई ऑन हो गया। तो देख पा रहे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसका वायर चेक करेंगे क्या समस्या है। तो इधर आना, चाबी ऑन है, पकड़। तो इसका वायर चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे, यहाँ तार टूटा हुआ है, उसको चेक करके आपको बताएंगे क्या समस्या है। फाइनल हो गया पूरा, देख पा रहे। अब इसको चेक करते हैं, जैसा भी ऑन करो, फुल। तो यहाँ देख पा रहे 5 वोल्टेज आ गया, पहले नहीं था वोल्टेज। चाबी ऑफ करो, हाँ लगभग खत्म हो गया। ऑन करो, हाँ पूरा। तो ठीक है, आप फाइनल करके आपको दिखाते हैं और फुल कोड क्लियर करके चेक लाइट भाग रहा है कि नहीं, दिखाते हैं जा रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट को चेक करते हैं, तो नहीं गया। अब क्लियर करना होगा उसको, जो कोड आ रहा था। देख पा रहे नो है, स्टार्ट को दिखा देते हैं। तो देख पा रहे यहाँ पे इंजन लाइट जल रहा था। तो समस्या सॉल्व हुआ, फिर से दिखा दे रहे आपको, देख पा रहे। तो समस्या जो था